नमस्कार, मैं हूं मयंक सक्सेना। स्वागत है आपका इंडियन न्यूज 28 में। आइए बात करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की। मथुरा किशोरी रमन गर्ल्स पीजी कॉलेज की छात्राओं को किया जागरूक। मथुरा एडीजी आगरा मंडल एवं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के निर्देश आदेश अनुसार चलाए जा रहे हैं अभियान। क्रम में शनिवार को किशोरी रमन गर्ल्स पीजी कॉलेज महाविद्यालय में ऑपरेशन जागृति के अंतर्गत आयोजित कार्यक्रम में 200 छात्राओं व महिलाओं को साइबर अपराध के विषय में जागरूक किया गया। कार्यक्रम में थाना कोतवाली उप निरीक्षक शीतल शर्मा ने छात्राओं एवं महिलाओं व बालिकाओं की सुरक्षा व सम्मान एवं स्वावलंबन हेतु महिला एवं बच्चों से संबंधित समस्याओं एवं मुद्दों पर समझ बनाना व घरेलू हिंसा से संरक्षण, दहेज प्रतिषेध कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न निवारण, पॉक्सो बाल विवाह प्रतिषेध के प्रति जागरूक किया और तीन प्रकार की हिंसा शारीरिक, मानसिक और आर्थिक के विषय में बताया। उन्होंने छात्राओं को आश्वासन देते हुए कहा कि यदि उनके साथ अथवा उनके किसी परिचित के साथ ऐसी घटना घटती है तो पुलिस को अवश्य सूचित करें। इसके साथ ही उन्होंने छात्राओं और महिलाओं द्वारा लिखवाए जा रहे झूठे मुकदमों के विषय में बताते हुए अपील की कि वे ऐसा कोई मुकदमा न करें और अपने परिवारजनों को भी इस संबंध में समझाएं, क्योंकि यह महिलाओं की विश्वसनीयता पर तो प्रश्न चिन्ह लगाता ही है, नैतिक रूप से भी सही नहीं है। थाना कोतवाली उप निरीक्षक शीतल शर्मा ने छात्राओं को जानकारी दी। मथुरा से संवाददाता ब्रिजवीर सिंह जादौन की रिपोर्ट। आज ये प्रोग्राम हमारे एडीजी मैम के निर्देशन में चलाया जा रहा है, ऑपरेशन जागृति। आज हमने ये केआर गर्ल्स डिग्री कॉलेज में ऑर्गेनाइज किया था। यहाँ पर लगभग 150 से 200 बच्चियाँ थीं जिनको हमने मिशन जागृति के बारे में, मिशन शक्ति और कई सारे हेल्पलाइन नंबर्स जो ज़रूरी हैं उनके बारे में उनको सूचना दी है और उसके बारे में उनको अवगत कराया है कि कोई भी समस्या हो कभी भी पुलिस को आप ज़रूर इन्वॉल्व करें, ऐसी बातें कोई सी भी रहती हैं। ऑपरेशन जागृति के तहत हमने बताया कि हेल्पलाइन नंबर्स के बारे में, अगर बच्चों को कुछ प्रॉब्लम होती है तो कौन सी हेल्पलाइन यूज़ करनी है, 1090 है, 1098 है, 112 के बारे में बताया है और ये साइबर क्राइम होता है उसके 1930 के बारे में बताया है। ये सारी चीज़ें हमने बच्चों को बताई हैं आज। बच्चों ने किस प्रकार से समझी, क्या आपको लगता है कि बच्चे? हाँ, बच्चे काफ़ी अटेंटिव थे, ध्यान था उनका, अपनी प्रॉब्लम शेयर की उन्होंने। अगर किसी के साथ ऐसी दुर्घटना हुई है या कोई भी इशू हुआ है तो उन्होंने अपनी प्रॉब्लम्स बताई हमसे, हमने एट द मोमेंट कोशिश की कि सोल्यूशन दे जा सके उनको। जी, बच्चों के लिए शिकायत पेटिका? हाँ जी, उस पेटिका में ये है कि कभी कभी क्या होता है, लड़कियाँ नहीं बता पाती अपनी प्रॉब्लम्स, नहीं अपने टीचर्स के साथ, पेरेंट्स के साथ शेयर कर पा रही हैं, तो उसमें ये होगा उनके लिए, ये सहूलियत है कि वो अपनी शिकायत उसमें रख सकती हैं बिना नाम बताए, बिना अपना नाम खोले। हम उनसे चीज़ें ले लेंगे वहाँ से, लेटर जो भी उन्होंने, जो भी अपनी प्रॉब्लम शेयर की होगी, फिर उसका उसी के तहत सोल्यूशन दिया जाएगा, जो भी सोल्यूशन हम कर पाएंगे। आज हमारे कॉलेज में ऑपरेशन जागृति का जो कार्यक्रम चल रहा है शहर में, उसके अंतर्गत एंटी रोमियो टीम के द्वारा छात्राओं को जागृत किया गया, छात्राओं को विभिन्न कार्यक्रमों से अवगत कराया गया और आज के परिवेश में छात्राओं की सुरक्षा से संबंधित जितने भी इश्यूज़ थे उनको यहाँ पर विस्तृत उनकी जानकारी दी गई। छात्राएँ चूँकि महाविद्यालय में आती हैं, कई बार अकेले होती हैं, कई बार किसी के साथ होती हैं, तो उनके साथ कुछ ना कुछ वारदात या कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें चलती रहती हैं जिसमें उन्हें अज्ञानता के कारण फंसना पड़ता है। तो आज इस टीम के द्वारा विभिन्न प्रकार की जानकारियाँ दी गई कि किस तरीके से छात्राएँ अपनी इमीडिएट मदद ले सकती हैं, किन फ़ोन नंबर्स पे वो फ़ोन कर सकती हैं, किस टीम के द्वारा वो अपनी सुरक्षा सुनिश्चित कर सकती हैं और कैसे महाविद्यालय तक अपना जो मार्ग है उसको सुरक्षित कर सकती हैं। इसके अलावा चूँकि महाविद्यालय है और एक अलग तरीके की उच्च शिक्षा का यहाँ पर उच्च शिक्षा प्रदान की जाती है, तो छात्राओं को इस बात के लिए भी अवेयर किया गया कि इस उम्र पर वो किसी भी गलत या फ्रॉड में ना आ पाएँ और फ्रॉड में आने से पहले ही वो यहाँ एंटी रोमियो टीम की सहायता लेकर के, मदद लेकर के अपनी शिक्षा को सुरक्षित ढंग से प्राप्त कर सकते हैं।